सच की शक्ति क्या होती है या सच क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सच क्या होता है? सच की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा बोला जाता है कि सच कड़वा होता है, मगर क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम सच्चाई का व्यवहार करते हैं? देखो, आपको मैंने पूछा, काफी सारे लोगों को, और यदि आप सामने बैठे हो मेरे, और पूछा कि कितने लोग झूठ बोलते हैं कभी ना कभी अपने लाइफ में, तो सब लोगों के हाथ ऊपर हो जाएंगे कि हमने झूठ बोला। लोग बोलते नहीं, सच तो बोल ही सकते नहीं। कुछ कुछ ऐसी जगह होती कि जहां सच बोलना भी नहीं होता, मगर यदि झूठ बोलते हैं तो बाद में हमको गिल्टी लगता है, बुरा लगता है, नर्वस लगता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर यदि मैं सच बोलता हूं तो लोग कभी कभी सुन भी नहीं पाओगे, ऐसा हो जाता है। यदि मैं सच बोलूंगा ना तो लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। किसी को जो दर्द हो गया, मैंने ऐसा बोला किसी को, तो उसको दुख हो जाता है, तो इसलिए हम सच बोलते नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्टफुली यदि बोलना है तो टैक्टफुली सच बोलना पड़ेगा या टैक्टफुली झूठ बोलना पड़ेगा। देखो, सच या झूठ क्या बोलना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट वो है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ, क्या वो सच है। सच बोलना या सच देखना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट या जानना वो जरूरी है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सच है या जो देख रहा हूँ वो सच है। क्योंकि हम तो देखते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है कभी भी कि जो सच है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी कोई बोल रहा हूं मैं, तो वो कहां से बोल रहा हूं? जो घटनाएं हुई है, जो भी हुआ है, उसको मेरे दिमाग से मैंने इंटरप्रिट किया है, मेरे दिमाग से मेरा अर्थ लगाया हुआ है, मेरा इंटरप्रिटेशन किया है, मेरे पास्ट से मैंने उसका अर्थ लगा के, पास्ट का इन्फ्लुएंस लेके, पास्ट में मुझे क्या लगा, पास्ट की कौन सी कहानियां हैं, पास्ट की मेरी कौन सी मेमोरीज है, वो सब डाल डुल के मसाला लगा के फिर मैं बोलता हूं। मतलब एक्चुअली जो घटना हुई मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं तो जो भी बोलता हूं वो सब इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, वो है जो हुआ उसका इंटरप्रिटेशन है। फिर क्या वो सच है? बिल्कुल ही नहीं है। मैं जो देख रहा हूं वो भी क्या सच है? क्योंकि जो भी हो रहा है उसको मैं कैसा देख रहा हूं, उसको मैं मेरे पास मेमोरी से देख रहा हूं, पास कहानियां जो मेरी है उसमें वहां से देख रहा हूं, जो मेरे फीलिंग्स है इमोशंस है वहां से देख रहा हूं। इसका मतलब मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच देख रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, तो वो भी नहीं है। मतलब क्या है कि ये हमको जानना जरूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, जो भी प्रसंग है, जो भी सिचुएशन है, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, वो कुछ भी सच नहीं है। वो जो भी हो गया है, घटना हुई है, उसका इंटरप्रिटेशन है, उसकी कहानी है। जो भी हो गया उसमें मैंने मिर्च मसाला डाला हुआ है और वो मैं बोल रहा हूं, और वो सच नहीं है। तो फिर सच क्या है वो जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, सच्ची क्या है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो तो मिर्च मसाला है, वो तो मुझे जो लगता है उसके बारे में वो है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको इसका एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मैं सोचता हूं वहां से बोल रहा हूं, तो फिर आप अपने आप को पहचानने में लग जाओगे कि एक्चुअली क्या है, मैं कौन हूं, एक्चुअली हुआ क्या, मैं उसको कैसा इंटरप्रिट कर रहा हूं, मैंने उसका क्या अर्थ लगाया। और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक हायर सेल्फ की तरफ कि मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं, वो सच नहीं है, वो तो सब कहानियां हैं। फिर एक्चुअली सवाल आता है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है, मैं आया क्यों हूं ये दुनिया में, मैं क्या करने आया हूं, क्या करने वाला हूं। फिर वहां उसके तरफ हम जाएंगे। तो सच ये है कि जो भी है वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो मेरी कहानियां हैं, और सच क्या है वो जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध तो सच जानने के लिए घरदार छोड़ के, राज गद्दी छोड़ के निकल गए घर के बाहर कि वे सच क्या है, उसके लिए निकल गए। लोग सालों साल तपश्चर्या करते हैं कि सच क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, वो जानने के लिए। तो हम तो दुनिया में रह के ये एहसास यदि हमको आ गया तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए कि सच क्या है, और सच मुझे मालूम नहीं है, सच मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं कौन हूं ये भी मुझे मालूम नहीं है,
क्योंकि मैं कौन हूँ ये भी मेरी कहानी है मेरे बारे में, और यदि मालूम है तो हम डेफिनेटली एक स्टेप आगे खुद को पहचानने के लिए निकल जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।